बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 फैक्टराइज। सेम ही फार्मूले हैं हमारे पास, उन्हीं को लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे देखते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, चलो अभी लिखते हैं 6 × 2π b^4। हम इसे लिख सकते हैं 2a² होल स्क्वायर प्लस 6, 25 का स्क्वायर होता है 25b होल स्क्वायर। अब देखें इसके अंदर हमारे पास a² + 2ab + b² वाला फार्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास a² है b² भी है, लेकिन मिड टर्म जो है वो मिसिंग है। तो हम मिड टर्म खुद से बनाएंगे और ऐड करेंगे जब हम इसके अंदर, तो फिर हमें इसमें से मिड टर्म को सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो देखते हैं, पहले 2a² होल स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मूले का 2a² उसके बाद यहाँ से हम लेंगे 25b² प्लस 25b² का होल स्क्वायर। अब ये हमने मिड टर्म इसके अंदर ऐड की है, इसको देखते हैं 2a² और 25b² मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 25 = 100 a² b²। अब ये जो मिड टर्म यहाँ पर हमने ऐड की है, तो इसलिए हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे इसमें से 100 a² b² अब हम इसे लिख सकते हैं 2a + 25b² होल स्क्वायर माइनस, और इसको भी हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं, 10 × 10 = 100 ab होल स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं 2a² + 25b² एक दफ़ा b की वैल्यू माइनस में आएगी और फिर दूसरे ब्रैकेट में a की वैल्यू एज इट इज़ और b की वैल्यू प्लस में आ जाएगी, तो +10ab। अब इसे अरेंज कर लेते हैं, 2a² - 10ab + 25b² 2a² + 10ab + 25b² क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमारे पास दो टर्म्स देनी हैं, मिड टर्म मिसिंग है। मिड टर्म हम खुद से बना लेते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1² + 2b² होल स्क्वायर। अब हम इस a² + 2ab वाले फार्मूले से हम इसे लिख सकते हैं 1² + 2, यहाँ 1 की वैल्यू, b की वैल्यू हमारे पास आएगी और यहाँ पर b की वैल्यू स्क्वायर के साथ, ये हमारे पास बन गया। अब मिड टर्म देखें हमने किससे बनाई है, 2 × 1 × 2b² इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4b² हमारे पास आएगा। जब हम इसमें ये प्लस कर रहे हैं तो अब हम इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे जो हमने इसमें ऐड की है। हम इसे लिख सकते हैं 1 + 2b² का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2b होल स्क्वायर। अब इसके सम फैक्टर बन जाएंगे 1 प्लस
टू बी स्क्वायर माइनस टू बी और वन प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू बी। अब इसे अरेंज कर लेंगे, वन माइनस टू बी प्लस टू बी स्क्वायर और वन प्लस टू बी प्लस टू बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर थ्री भी इसी के अंदर ही आ जाएगा, इसलिए मैंने थ्री छोड़ के क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर फोर को भी हम ऐसे ही करेंगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूले के साथ सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास मिड टर्म भी दी हुई है लेकिन मिड टर्म कंप्लीट नहीं है, तो हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, से फार्मूले से मिड टर्म लेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या चीज़ इसके अंदर हमने और ऐड की है, वही हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए रेस पावर एट, इसको हम लिख सकते हैं ए रेस पावर फोर का स्क्वायर प्लस टू फार्मूले का ए रेस पावर फोर, यहाँ पर वन आ जाएगा प्लस वन का स्क्वायर। अब ये हमारे पास मिड टर्म आ गई, मिड टर्म हमारे पास आ रही है टू फोर ए रेस पावर फोर। एक हमारे पास ए रेस पावर फोर तो पहले से मौजूद था जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर हमने एक और ऐड की है ए रेस पावर फोर, यहाँ पे क्वेश्चन किसका है वन, वन प्लस वन हमारे पास कितने हो जाएंगे टू, टू ए रेस पावर फोर। एक हमारे पास पहले से मौजूद था, एक हमने और ऐड किया है, तो हम यहाँ से माइनस भी फिर करेंगे ए रेस पावर फोर। अब सिंपल बन गया, जिस तरह से हम लोग पहले कर रहे थे सेम ही है, ए रेस पावर फोर प्लस वन होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए रेस पावर फोर प्लस वन माइनस ए स्क्वायर ए रेस पावर फोर प्लस वन प्लस ए स्क्वायर। इसको अरेंज कर लेते हैं, ए रेस पावर फोर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन ए रेस पावर फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन। अब अगर आप बुक के अंदर देखें तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर ये चीज़ हमें दी गई है। क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर हमें ये भी सॉल्व करना है, वो भी सॉल्व करना है, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर फोर ही यहाँ पे लिखा, क्वेश्चन नंबर थ्री नहीं लिखा। तो हमारे पास अप्लाई होगा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे, और जब आप लोग क्वेश्चन नंबर थ्री सिर्फ सॉल्व कर रहे हो तो सिंपल जो इसका सोल्यूशन होगा वही लिखेंगे आप। कि हम मिड टर्म बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी मिड टर्म हमारे पास कंप्लीट नहीं है, ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर वन मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस वन का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। अब हम देखें इसमें हमने क्या किया, ए स्क्वायर हमारे पास था और एक और ए स्क्वायर हम लोगों ने यहाँ से लिया है, ए स्क्वायर जब ए स्क्वायर के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास टू ए स्क्वायर आ जाएगा। अब जब हमने यहाँ पे ऐड किया है तो हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, सब ए स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा, ये एज इट इज़ ही रहेगा, और यहाँ से हमारे पास आएगा ए का स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, ये तो एज इट इज ही चलता रहेगा और इस
का हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन माइनस ए, और फिर दूसरी दफ़ा हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस वन प्लस ए। अब इसे अरेंज कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन।